नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नाटानी फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला में, जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स द्रव यांत्रिकी की स्टडी कर रहे थे। और अब तक हमने लास्ट लेक्चर में पेल्टन व्हील टर्बाइन की वर्किंग देख ली थी, उसका कंस्ट्रक्शन देख लिया था। आपको एक वीडियो के थ्रू मैंने बताया था कि पेल्टन व्हील टर्बाइन या टेंजेंशियल टर्बाइन या इम्पल्स टर्बाइन कैसे वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर आता है फ्रांसिस टर्बाइन के लिए। आज हम फ्रांसिस टर्बाइन की वर्किंग देखेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ फ्रांसिस टर्बाइन, जो कि एक तरह का रेडियल इनफ्लो टर्बाइन है, तो जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट हाइड्रोलिक टर्बाइन विद रेडियल इनफ्लो, तो वो फ्रांसिस टर्बाइन था। वाटर फ्लो फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, कैसे, यह आपका टर्बाइन है, इसमें यह आपका एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर ये इसकी रेडियस है और वाटर एंटर करता है यहाँ से बाहर से अंदर की ओर, तो इसलिए इसमें बोला गया है पानी कहाँ से आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ एंटर करता है, इसलिए इसको बोला गया है इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन। किसको, फ्रांसिस टर्बाइन को इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन भी कहते हैं, क्योंकि पानी बाहर से अंदर की ओर एंटर करता है। आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि रिएक्शन टर्बाइन पे काम करता है आपका फ्रांसिस टर्बाइन, और रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। तो फ्रांसिस टर्बाइन एक तरह का रिएक्शन टर्बाइन है, जिसमें जो एनर्जी होती है इनलेट पे वो काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी होती है, जो इनलेट पे एनर्जी होती है वो काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी होती है, और इसमें जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे वाटर अंदर जाता है, तो जो पानी का प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इनलेट पे अलग प्रेशर रहता है और आउटलेट पे अलग प्रेशर रहता है। अगर इनलेट पे P1 प्रेशर है तो वो ज़्यादा होगा आउटलेट के प्रेशर P2 से, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर। अब अगर मैं मेन पार्ट्स की बात करूं कि फ्रांसिस टर्बाइन में मेन पार्ट्स क्या क्या यूज किए गए हैं, तो पहले मैंने आपको बताया था केसिंग क्या होती है, तो केसिंग इसके अंदर भी यूज की जा रही है। तो जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है वो एयर टाइट स्पाइरल केसिंग से कम्प्लीटली कवर होता है। कैसी, एयर टाइट। आपने देखा था कि जो आपका पेल्टन व्हील टर्बाइन था वहां पे आपने देखा था कि जो केसिंग होती है वो एयर टाइट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एयर टाइट मतलब जिसके अंदर एयर भी एंटर नहीं कर सके, ऐसी स्पाइरल केसिंग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं गाइड मैकेनिज्म की, तो इसमें गाइड मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेंस लगी होती है जो वाटर स्ट्राइक करता है वो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करता है, गाइड वेंस होती है, गाइड वेन स्टेशनरी गाइड वेन्स होती है, वो पानी को एक डायरेक्शन देती है और फिर उसके थ्रू वो स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, बकेट्स के ऊपर। तो गाइड वेन्स इसलिए लगाई जाती है, एक तो किसी तरह का सोप पैदा ना हो इनलेट पे, किसी तरह का झटका ना लगे, और दूसरा क्या बोलते हैं जो वाटर होता है उसको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए, इसलिए हम गाइड वेन्स यूज करते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि गाइड वेन्स क्या है क्या नहीं है। रनर जैसा कि आपने देखा था पेल्टन व्हील टर्बाइन में भी रनर लगा होता है, रनर ही घूमता है, रनर से शाफ्ट लगी होती है और शाफ्ट के घूमने से जनरेटर के जो गियर बॉक्स होते हैं वो घूमते हैं, तो इसमें भी आपका रनर लगा होता है। एक सर्कुलर व्हील होता है जिसपे क्या लगी होती है, जिस सीरीज ऑफ कर्व रेडियल वेंस लगी होती है जिसके ऊपर। और एक नया वर्ड आया इसके अंदर ड्राफ्ट ट्यूब एग्जिट पे लगा होता है। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि जो आपका फ्रांसिस टर्बाइन होगा उसके एग्जिट पे ड्राफ्ट ट्यूब लगी होगी जो कि वाटर को टेल रेस में छोड़ने के लिए काम में आती है, तो अभी मैं आपको सब बताऊंगा। तो चार तरह के पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, केसिंग होती है, गाइड मैकेनिज्म होता है, रनर होती है और ड्राफ्ट ट्यूब होता है। अब आप इसमें देख सकते हो आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर फ्रांसिस टर्बाइन का पार्ट्स दिखाए हुए हैं, ये एक व्हील है फ्रांसिस टर्बाइन का, ये जो ये वाली है ये आपकी गाइड वेन्स है ये वाली, ठीक।
ठीक है, तो गाइड वेंस क्या करती है, वाटर यहाँ से एंटर होएगा तो ये जो गाइड वेंस है ये इसको डायरेक्शन देगी, वाटर फिर इन जो गाइड वेंस है उनके थ्रू फिर जो आपका ये रनर है जिस पे ये वेंस माउंटेड है, ये वेंस माउंटेड है ठीक है, तो यहाँ से वाटर एंटर करेगा और यहाँ से वाटर एंटर करके इसको पे एक इम्पल्स और रिएक्शन दोनों तरह की एनर्जी लगाएगा जिससे कि ये रोटेट करेगी और फिर यहाँ से वाटर यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह का फ्रांसिस टर्बाइन का अपन को एक डायग्राम दिया हुआ है कैसी वेंस होती है कैसी गाइड वेंस होती है। अब आप इसमें देख सकते हो यह स्कीमेटिक व्यू है फ्रांसिस टर्बाइन का, तो आप इसमें देख सकते हो कि जो मैं स्पाइरल केसिंग बता रहा था, तो ये देखो स्पाइरल केसिंग है, ये कुंडलीदार केसिंग है, यहाँ पे वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर करता है और ये छोटी होती जाती है। अब ये छोटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा है और पानी के में प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब कि प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्यों, क्योंकि टोटल हेड कॉन्स्टेंट रहता है, तो अगर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और प्रेशर एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स है जो प्रेशर एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि ये इसको किसको जो वेंस लगी होती है उस पर एक इम्पल्स देता है। जैसे कि आपने पेल्टन व्हील टर्बाइन में देता है देखा था कि पेल्टन व्हील टर्बाइन कैसे घूमता है, तो पेल्टन व्हील टर्बाइन इम्पल्स की वजह से घूमता है। तो यहाँ पे वो जो इम्पल्स आपको नोजल से मिल रहा था वो इस स्पाइरल केसिंग से मिलता है और जिससे कि ये इस पे स्ट्राइक करता है वाटर और फिर ये घूमता है। तो पहला घूमने का कारण तो हो गया इम्पल्स और दूसरा जो रिएक्शन मिलती है वो रिएक्शन आपको जो वाटर जब एग्जिट करता है, वाटर यहाँ से एग्जिट करेगा तो जब एग्जिट करता है तो हाई वेलोसिटी के साथ में एग्जिट करता है तो उस एग्जिट की वजह से वो एक रिएक्शन देके जाता है किसको, वेंस को, और फिर वो रोटेट करने लग जाती है ठीक है। तो यहाँ पे डबल वेलोसिटी मिल जाती है आपके वेंस को, आपके रोटर को, एक तो इम्पल्स की वजह से और एक जब वाटर एग्जिट करके जाता है तो रिएक्शन की वजह से, इसलिए इसको बोला गया है इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन ठीक है। तो दोनों तरह का, अब आप इसमें देख सकते हो यहाँ से वाटर आया एंटर करा, यहाँ पे इसने रोटर को या रनर को रोटेट करवाया और उसके बाद में ये बाहर निकलेगा वाटर ड्राफ ट्यूब के थ्रू, तो ये होती है ड्राफ ट्यूब। अब इस ड्राफ ट्यूब की बनावट ऐसी होती है, चौड़ी होती है नीचे से, जैसे जैसे ये इसका क्रॉस सेक्शन आगे जाता है ये चौड़ा होता जाता है। ये चौड़ा क्यों होता है, सिंपल सा इसका ये रीजन है कि जैसे ही यहाँ से वाटर एग्जिट करता है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है और वो कम इतना हो जाता है कि वो वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है और वेपर प्रेशर से कम होने की वजह से जब वो इस टर्बाइन को छोड़ता है तो यहाँ पे केविटीज उत्पन्न हो जाती है और उसी को केविटेशन बोलते हैं। तो उस वो जो केविटेशन ना हो, तो मेन फंडा ये है कि केविटेशन ना हो, प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे ना जाए, इस वजह से हम डार्प ट्यूब का यूज करते हैं क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। आपने क्यू देखा है, क्यू बराबर एरिया इंटू में वेलोसिटी होती है। तो जैसे जैसे आपकी का एरिया बढ़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। किसके थ्रू है ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होएगी और वेलोसिटी यहाँ पे कम होएगी तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इस वजह से जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से नीचे नहीं जाता और यहाँ पे केविटेशन नहीं होता। तो इस केविटेशन को बचाने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन का एप्लीकेशन क्या 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 यूज आता है, तो पहली चीज़ तो फ्रांसिस टर्बाइन है वो काफ़ी रेंज के लिए, बहुत वाइड रेंज के लिए है, वाइड रेंज किसकी, हेड और फ्लो की, डिस्चार्ज की और सीज की, इन दोनों की काफ़ी रेंज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है, डिजाइन हो सकता है।
दूसरा जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, किसकी, फ्रांसिस टर्बाइन की एफिशिएंसी। कैसे, जैसे कि आपने को इनपुट, आपने इनपुट दिया 10% का और आपको आउटपुट मिल गया 90% का, तो ये एक तरह से एफिशिएंसी अच्छी हो गई। दूसरा आप ये देख सकते हो कि आपने 100% एफिशिएंसी के लिए अगर कोई चीज़ डिजाइन करी है और अगर वो 80 से 90% तक एफिशिएंट है, इतना आउटपुट दे दिया है, तो वो अच्छी एफिशिएंसी वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो सिमिलरली ये जो फ्रांसिस टर्बाइन होती है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरा जो इसका हेड है, मतलब शीर्ष का जो कवर रेंज है, वो 40 से लेके 60 मीटर तक अपन डिजाइन कर सकते हैं इसको। वैसे तो जनरली 60 से लेके और 260 तक मीटर तक मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज टर्बाइन होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे ये 40 से लेके 700 मीटर तक फ्रांसिस टर्बाइन डिजाइन हो सकता है, मतलब कि इसकी काफ़ी रेंज हो गई। और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो कुछ किलोवाट से, मतलब एक घर के लिए, एक सिंपल छोटे घर के लिए एक फ्रांसिस टर्बाइन यूज कर सकते हैं वहाँ से लेके, और मेगा 800 मेगावाट के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं किसके थ्रू, फ्रांसिस टर्बाइन के। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी रेंज हो गई। और तीसरा ये कि जो फ्रांसिस टर्बाइन होते हैं वो काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देते हैं, 90% तक एफिशिएंट रहता है फ्रांसिस टर्बाइन। अब अगर मैं वर्किंग की बात करूं किसकी, फ्रांसिस टर्बाइन की, वैसे मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा फ्रांसिस टर्बाइन, जैसे मैंने आपको पेल्टन व्हील में बताया था फ्रांसिस पेल्टन व्हील टर्बाइन कैसे काम कर रहा है, वैसे ही मैं आपको फ्रांसिस टर्बाइन में बताऊंगा कि फ्रांसिस टर्बाइन कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है वो जनरली हम एक्सिस को वर्टिकल रख के, मतलब कि जैसे आप अभी अभी आपने देखा था ये फ्रांसिस टर्बाइन था और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, तो एक्सिस कैसी है, ये वर्टिकल है, क्षैतिज है, तो सॉरी ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर एक्सिस है ना, उस कंडीशन में हम इसको इंस्टॉल करते हैं पहली चीज। दूसरा वाटर विद हाई हेड एंटर्स द, तो यहाँ पे जो वाटर एंटर करता है वो काफ़ी हाई हेड का होता है, तो जब, या हाई प्रेशर बोल सकते हैं, तो एंटर करते वक्त आपके जो वाटर होता है वो हाई प्रेशर में होता है और ये स्पायरल केसिंग के थ्रू बाहर निकलता है, तो स्पायरल केसिंग है ना, तो उस वजह से जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर और फिर वो इम्पल्स लगाती है किसके ऊपर, टर्बाइन के ऊपर। द वाटर लूजेज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रेशर इन द वॉल्यूम टू मेंटेन इट्स स्पीड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो प्रेशर एनर्जी होती है वो स्पायरल केसिंग के थ्रू कुछ पार्ट्स उसका कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और फिर जो जो वाटर है उसकी जो प्रेशर एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई, उसके बाद में वो ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करता है, ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो उस वजह से वो दोनों तरह की एनर्जी लगाता है, वो प्रेशर एनर्जी भी लगाता है और एंगुलर मोमेंटम जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं वो भी लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस रिड्यूस इम्पार्ट रिएक्शन ऑन द रनर एंड पावर इज ट्रांसफर टू द टर्बाइन शाफ्ट, तो अब क्या होगा, जैसे ही वेन रोटेट करेगी वो कनेक्ट रहती है आपके जनरेटर से, जनरेटर शाफ्ट से, और फिर वो रोटेट करने लग जाती है, ठीक है, और फिर आपकी पावर ट्रांसमिट होने लग जाती है जनरेटर के अंदर। इफ द टर्बाइन इज ऑपरेटिंग एट द डिजाइन कंडीशन द वाटर लीव्स द रनर इन एक्सियल डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाली स्लाइड में यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ से एंटर कर रहा है ये, ठीक है, और फिर एक्सियली एग्जिट कर रहा है ये, एक्सियली बाहर निकल रहा है ये, एक्सियली हो गया, ठीक है। तो जो आपका फ्रांसिस टर्बाइन में है वहाँ पे वाटर लीव करता है, वाटर छोड़ता है एक्सियली डायरेक्शन में, ठीक है, और वाटर जब एग्जिट करता है तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं, और मैंने आपको बता दिया था ड्राफ्ट ट्यूब का क्यों यूज करते हैं, वो जो एग्जिट वेलोसिटी है उसको कम कर देती है,
तो उसको कम कर देती है ना, तो हम अच्छे हेड के लिए, अच्छे वाटर हेड के लिए डिजाइन कर सकते हैं प्रांसिस टर्बाइन को। ठीक है, तो ये सब है, बाकी हम इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रांसिस टर्बाइन है, यहाँ से वाटर एंटर करा, ये स्पायरल केसिंग है और आगे से जो पाइप है उसका मुंह है वो छोटा होता जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसके बाद में अंदर ये टर्बाइन हो गया, आप इसमें देख सकते हो यहाँ से ये एंटर कर रहा है, ये टर्बाइन हो गया या ये रनर हो गया, ये रनर को मूव करवाएगा, उसके बाद में बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी ड्राफ्ट ट्यूब है, ये है आपकी ड्राफ्ट ट्यूब। अब आप इसमें देख सकते हो ड्राफ्ट ट्यूब में यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम था और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया। वाटर यहाँ से एंटर करेगा, वेंस को, रनर को मूव रोटेट करवाएगा, उसके बाद में वाटर बाहर निकल जाएगा इस यहाँ से। तो ये एक तरह से फ्रांसिस टर्बाइन का की वर्किंग हो गई, फ्रांसिस टर्बाइन का कंस्ट्रक्शन हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।